मेवाड़ की ये धरा यहाँ वीर महावीर प्रतापी दानी महादानी शिक्षक न जाने कितनी ही विभूतियाँ मेवाड़ में जन्म ली है। धन्य है मेवाड़ की धरा जहाँ एकलिंग जी को आज हमारे मेवाड़ का अधिपत्य कहा जाता है। आज पूरे देश में शिवरात्रि के इस उपलक्ष में पूरे मंदिरों में आज यहाँ पूजा अर्चना, और आप देखिए दो दिन पहले से ही मंदिरों में कतारें लगी हुई है। इस प्रसंग का हम पूरे साल में बड़े इंतजार करते हैं कि ये प्रसंग कब आएगा। हम पैदल चलते हैं, न जाने कितने किलोमीटर तक पैदल चलकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, ऐसे हम सनातनी हैं। आइए, हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव है, परिचय भी पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस उदयपुर की और हमारे इस मेवाड़ की गौरव और इस सनातन संस्कृति के बारे में हम परिचित होंगे। स्वागत है आपका जी। परिचय, सुरेंद्र नहर, पेट्रोल पंप पे हूँ, मॉडर्न सर्विस स्टेशन पे हूँ जी, जी जी। और मेरे पड़ोस में ही एक हजारेश्वर महादेव का बहुत ही सुंदर मंदिर है, जिसके हजार वो हैं, हजार पन हैं, और आज के दिन तो यहाँ पर बहुत चहल पहल है और बहुत अच्छा माहौल है। और शिव जी का पूरे उदयपुर के पूरे इंडिया में ही शिव जी भगवान का बहुत अच्छा आज का दिन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। धन्य है वो नगरी जहाँ महाराणा मेवाड़ और महाराणा प्रताप के वंशजों ने जिस प्रकार से काम किया। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह जी के और उनके पुत्र के कार्यकाल में, यानी 350 साल पहले हम इन मंदिर का निर्माण देखे। कैसे गुरुदेव आज हम एक छोटा सा घर नहीं बना सकते, कैसे उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि ये काम हमको करना है, आप क्या सोचते हैं? पहले के जमाने में जो लोगों की सोच थी वो अब नहीं रही है। पहले वाले लोग बहुत आगे की देख के काम करते थे और उनका धर्म में भी पूरा था, वो धर्म में भी पूरा वो करते थे, और उसी का आज परिणाम है कि ये मंदिर जो है, ये पुराने मंदिर में हम जा पा रहे हैं। ये सब उन्हीं लोगों की वजह से है, ये उन लोगों का एक विश्वास था, मंदिर में भी एक आस्था था। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि राजा महाराजाओं ने क्या किया, आप कुछ उदाहरण बताना चाहेंगे? आपके सामने अस्पताल है, ये महाराणा भोपाल नाम ही इसका महाराणा भोपाल हॉस्पिटल है, तो ये महाराणा भोपाल ने ही बनाया है, भोपाल सिंह जी ने ही बनाया है। और भी उदयपुर में उन्होंने बहुत सी है, महाराणा भोपाल सिंह जी ने बहुत सारी बनाई है, तो जैसे ये हॉस्पिटल हो गया और बिजली को पहले लेके आए थे, हाँ ये बिजली को लाने वाले भी महाराणा भोपाल सिंह जी थे उदयपुर में, ट्रेन को लाने वाले, हाँ ट्रेन को लाने वाले भी महाराणा भोपाल सिंह जी थे, तो उन्होंने बहुत किया उदयपुर के लिए। अच्छा गुरुदेव, एक बात बताइए, जब देश में विभाजन हो रहे थे, सब देश अलग अलग किसी के पक्ष में जा रहे थे, आप किसको धन्य, मेवाड़ की सबसे बड़ी भूमिका रही थी उस समय? हाँ, उसमें भी महाराणा भोपाल सिंह जी की भूमिका रही थी, विलय के टाइम में भी, ये आज अगर ये नहीं होते तो शायद पता नहीं क्या होता। उन्होंने मतलब बड़ा अपने हिंदू राष्ट्र को और एक वो उस तरफ काम किया है महाराणा जी ने। सभी की यहाँ मेवाड़ की इस धरा पर सभी जातियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महाराणा मेवाड़ ने जब भी संकट आया, जातियों से आह्वान किया था, आइए आप इस मंदिर की रक्षा कीजिए, आप वह रक्षा कीजिए। बिलू राणा का हम बात करें तो उन्होंने देखो पूरी फौज बनाकर कैसे अकबर पर सेना पर टूट पड़े। क्या आप किन शब्दों में इनका इनको नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे इन महाराणा? पहले पुराने जमाने के जो महाराणा हुए इनकी तो अब कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि ये लोग कितने बलशाली विद्वान थे, और इनकी तो जो गाथाएं सुनते हैं उससे ही हमारा खून खोल उठता है कि ये लोग कितनी मुश्किलों में रह के भी इन्होंने अपने मतलब देश को राज्य को इन्होंने बचाया है, और कैसे मुश्किल में रहते हुए भी, और आजकल के ज़माने में तो अलग हो गया है, लेकिन वो पुराने ज़माने में जो इन्होंने किया है वो बहुत ही मतलब उदाहरण है, वो इनका उदाहरण है। आज दो प्रसंग एक साथ है, आज शिव की महिमा भी हो रही है और शक्ति की भी हो रही है, शिव शक्ति, आज महिला दिवस भी है और प्रभु दिवस भी है। क्या किन शब्दों में आज महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, महिलाएं कैसी होनी चाहिए, महिलाओं का उनका संस्कार, उनके त्याग की भावना, महिला तो त्यागी होती है। महिलाएं आजकल सारे ही काम कर सकती है, और महिलाओं को आजकल की महिलाएं मतलब किसी सब क्षेत्र में आगे है, और ये मैंने देखा आपके पेट्रोल पंप पे भी महिलाएं काम कर रही है। हाँ, पेट्रोल पंप पे भी महिलाएं काम कर रही है और बड़े इंटरेस्ट से काम कर रही है, मतलब उनको अच्छा लग रहा है वर्क करना, यो नहीं कि जबरदस्ती काम कर रही है, वो अपनी स्वेच्छा से काम कर रही है। तो महिला शक्ति
और शिव शक्ति, दोनों का आज संयोग बैठा है, तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है और महिलाएं अब किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया नार साहब का कि आपका समय लिया और हमारे इस भक्ति शक्ति और संस्कृति चैनल पर आकर आपने जो प्रसंग और आपने अमृत वर्षा की है उसका हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे, अनुग्रहित करेंगे और अपने जीवन में प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।